लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका मतदान ले जाएंगे। इनमें 3 सीटें सीमांचल की है, 2 अंग क्षेत्र की। ऐसे में सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन सीमांचल के 3 सीटों पर दिलचस्प लड़ाई है। बाजी किसके हाथ में जाएगी, ये फिलहाल कोई भी साफ बताने को हालत में नहीं, लेकिन दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि जीत उन्हीं की होगी। हालांकि सीमांचल की सियासत क्या कहती है, ये आप जरूर जानना चाहेंगे, तो आइए इसका आकलन किया जाए। बता दें कि सीमांचल में दूसरे चरण के तहत कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज की 3 सीटों पर चुनाव है। इनमें पिछली बार किशनगंज कांग्रेस की झोली में गया था और कटिहार और पूर्णिया जदयू के खाते में। इस बार एनडीए को न सिर्फ अपने 2 सीटें बचाने की चुनौती है, बल्कि किशनगंज सीट को भी जीतने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद। किशनगंज सीट की बात करें तो यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। AIMIM के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मैदान में है, जिनका अपना खास वोट बैंक है। इनकी सीमांचल में खासी पकड़ है। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, निशाने पर एनडीए के साथ साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन को भी ले रहे हैं। कांग्रेस सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद हैं और कांग्रेस की परंपरागत सीट को अपने पाले में करने की बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान किशनगंज में पार्टी उम्मीदवार के लिए कांग्रेसियों को जान फूंकी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी परंपरागत सीट उनके पास होगी, जिसके लिए गठबंधन ने पूरी ताकत लगा रखी है। एनडीए के मास्टर मुजाहिद, जानिए समीकरण। एनडीए की तरफ से जदयू के मास्टर मुजाहिद मैदान में हैं और जदयू की कोशिश और उम्मीद है कि AIMIM और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच वोटों के बंटवारे में उन्हें उम्मीदवार को जीत हो सकती है। कटिहार में कांटे की लड़ाई में तारिक और दुलालचंद। अब बात कटिहार की करें, जहां मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। कांग्रेस ने यहां से अपने दिग्गज नेता तारिक अनवर को मैदान में उतारा। वहीं उन्हें टक्कर दे रहे कटिहार से जदयू सांसद दुलचंद गोस्वामी, जो इस बार भी एनडीए उम्मीदवार हैं। कटिहार मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ की आबादी में लगभग 41% मुस्लिम है और लगभग 59% हिंदू जनसंख्या। जब बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया सीट इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। दरअसल इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने इस सीट पर संघर्ष को बेहद रोमांचक बना दिया। पूर्णिया सीट में मुख्य मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती, जदयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच है। जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का लहर और नीतीश कुमार के विकास कार्यों का फायदा और पूर्णिया की शांति के लिए जनता उन्हें वोट देगी। MY समीकरण में वोट मुस्लिम 5 लाख, यादव 2 लाख, मंडल 2 लाख, आदिवासी 1.5 लाख, ब्राह्मण 1 से 1.5 लाख, राजपूत 1 से 1.5 लाख के साथ साथ SC 3 से 3.5 लाख वोटर हैं। RJD को यहां MY समीकरण के साथ साथ उनके उम्मीदवार बीमा भारती के अति पिछड़ा वोटर पर है। संतोष कुशवाहा को लौकुस के साथ साथ सवर्ण और अति पिछड़ा वोटरों के साथ ही उम्मीद है। इस सबके बीच सबसे दिलचस्प है पप्पू यादव की कवायद, जो न सिर्फ MY समीकरण में सिंह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी जातियों में भी सहानुभूति के वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से RJD उम्मीदवार की परेशानी बढ़ी हुई है।